तो देखिए कितनी ट्रांसपेरेंट सफ़ेद रुमाल जैसी हमारी रुमाली रोटी बनी है। तो चलिए साथ में बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेस्टी ट्रीट विद वीना में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई रेसिपी। तो रुमाली रोटी बनाने के लिए हम सबसे पहले बॉल ले लेते हैं और 2 कप मैदा ले लेंगे। आप चाहें तो आधा मैदा और आधा आटा भी ले सकते हैं गेहूं का, पर हमने दोनों मैदा ही लिया है। दोनों कप देखिए, इस कप के साइज़ से 2 कप हम मैदा ले लिए हैं। और रुमाली रोटी अगर मैदे से बनती है तो ज़्यादा फिर बेलने में दिक्कत नहीं होती है। फिर हमने इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल दिया है और इस आटा को हम पानी से नहीं गूंदेंगे, गुनगुना दूध से गूंदेंगे। इससे जो है डो बहुत अच्छा सॉफ्ट बनेगा और रोटी जब बनाएंगे हम, रुमाली रोटी काफ़ी बड़ी बनती है तो उससे रोटी फटती नहीं है। फिर तो हम इसको अच्छे से सॉफ्ट डो गूंद लेंगे दूध डाल डाल के। तो देखिए ये आटा ऐसे गूंद गया है और करीब 200 के ग्राम दूध इसमें लगा है 250 ग्राम आटे में। तो इसको अब हम अच्छे से करके ऐसे मोड़ के इसको 1/2 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे और थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे इसके ऊपर। ऑयल लगाने से इसके ऊपर पपड़ी नहीं जमेगी और सॉफ्ट रहेगा। तो थोड़ा 1 चम्मच के बराबर ऑयल लगा के इसको हम रख देंगे। तो देखिए डो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है 1/2 घंटे में और हम इसको इतनी बड़ी बड़ी लोई काट लेंगे रुमाली रोटी बनाने के लिए। तो काफ़ी बड़ी रुमाली रोटी होती है तो इसको अच्छे से प्रेस करते हुए चिकना सा एक पेड़ा जैसा तैयार करके रख लेंगे। हम सारी लोइयां ऐसे बना लेंगे और उसके बाद फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम बेलना स्टार्ट करते हैं। हम सरफेस पे बेलेंगे क्योंकि चकले में इतना ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बन पाएगी अच्छे से। तो और मैदा अच्छे से हम ज़्यादा डस्ट कर सकते हैं क्योंकि उसी को लगा लगा के बेलने में आसानी होती है। तो ये देखिए इसको किनारे से ज़्यादा हम बेलेंगे क्योंकि बीच में ज़्यादा अगर हम बेलन चलाएंगे तो बीच में जल्दी से फटने का डर रहता है। किनारा इसका हम पूरा अच्छी तरह से बेलेंगे और पतला रखेंगे। बीच में तो ऑटोमेटिक फिर बाद में पतला हो जाएगा और हम जब तक इसको बेलेंगे जब तक ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, हाथों पे लगाएंगे ऐसे रोटी रखेंगे तो वो हमारे उंगलियां दिखने लगें, समझ में आने लगें, इतना हम इसको बेलेंगे। बेलने के बाद एक बार फिर हाथों में ऐसे ऐसे करके जो घुमाई जाती है वो हम घुमा लेंगे तो ऑटोमेटिक वो पतला हो जाएगा। तो देखिए अब रोटी काफ़ी हद तक बन चुकी है और इसको हाथों से हम ऐसे बार बार कर लेंगे, उससे क्या होगा रोटी अपने आप बड़ी हो जाएगी। और देखिए बिल्कुल इसी उसमें कर लें, अगर नहीं आता है तो आप अच्छे से बेल भी सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसा करें। अब देखिए ये उंगली हमारी दिखने लगी, काफ़ी पतली हो गई है रोटी। तो अब रोटी बनाने के लिए हमने ये घर पे जो कढ़ाई हो, आपके पास जो भी बड़ी कढ़ाई हो एल्युमिनियम की या फिर लोहे की या फिर कोई भी, तो आप इसको उल्टा करके गैस जला के रख दीजिए और इस पे नमक और पानी का घोल, हमने ये तैयार करके कटोरी में रखा था, उसको छिड़क रहे हैं। उसको छिड़कने से क्या होता है कि रोटी चिपकती नहीं है और हमारी जो तंदूरी रुमाली रोटी है वो बहुत अच्छे से सिक जाएगी। तो हमने फ्लेम हाई कर दिया है और ये रुमाली रोटी देखिए बिल्कुल तैयार है। अब इससे बड़ी हमारी कढ़ाई भी नहीं, नहीं तो हम और बड़ी बनाते। तो इसको हम देखिए बहुत ही हल्के हाथों से प्रेस कर करके और जैसे ही इसमें बबल्स आने लगेंगे तो हम इसको पलट देंगे। और आप चाहें तो घर के किचन के छोटे टॉवल से या फिर टिश्यू से इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो रोटी अच्छे से पक जाएगी। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो फिर रोटी कड़ी हो जाएगी, क्रिस्पी हो जाएगी, तो फिर वो रुमाल जैसी
नहीं फोल्ड होगी। तो अब देखिए ये रोटियां हमारी पक गई हैं और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। देखिए ऐसे फोल्ड करिए, फिर इसकी तरफ से पलट दीजिए, थोड़ी देर इसमें किनारा सिकने दीजिए, तो फिर इधर भी पक जाएगी। ये देखिए इधर पक जाएगी, फिर उस तरफ फोल्ड करके उधर से पका लेंगे। ये ऐसे में किनारा भी हमारा पक जाएगा। फिर हम इसको जिस तरह से आप आकार देना चाहें, जैसे भी मोड़ना चाहें, इसको आप अपने पसंद से मोड़ सकते हैं और हर तरफ से रोटी अच्छे से सीख जाएगी। अब एक बार और हम इसको मोड़ेंगे और फिर देखिए इसको पलट के इसे दबा के सेक लेते हैं। अब हमारी रुमाली रोटी ये तैयार है। इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी मुलायम होती है कि वो थोड़ा सा भी लगे तो खुल जाती है। तो हमारी ये एक रोटी तैयार हो गई। तो अब हमने ये दूसरी रोटी बना लिया है, इसको भी हम सेक लेते हैं। और ध्यान रखें कि इसको हाई फ्लेम पे ही सेकना है, और इतनी नमक पानी का जो घोल छिड़का था हमने, तो इससे रोटियां फिसलती भी बहुत हैं, तो आप थोड़ा सा सावधानी से। देखिए हमने ये पलट दिया है और इतनी पतली होती है कि बहुत ही जल्दी सेक जाती है। और बस ध्यान रहे कि रोटी आप इसको फोल्ड करके खुला ना रखें, नहीं तो फिर ये एकदम बिल्कुल स्टिकी हो जाएगी और वो सॉफ्टनेस चली जाएगी उसकी। ये देखिए बिल्कुल पक गई है और अब हम इसको फिर से फोल्ड कर लेते हैं उसी की तरह जैसे वो वाली रोटी हमने फोल्ड की थी, वैसे स्टाइल में इसको भी फोल्ड कर लेंगे। देखिए ये रोटी हमारी पक गई है बिल्कुल, वैसे ही हम इसको भी फोल्ड कर लेते हैं। और ये हमारी दूसरी रोटी पक के तैयार है। और इसी तरह से हम अपनी सारी रोटियां तैयार कर लेते हैं। तो हमारी ये भी रोटी तैयार है, इसी तरह हम सारी रोटियां तैयार कर लेते हैं अपनी। तो देखिए ये हमारी रोटी बन गई है, इसको हम ढक के रख देते हैं। और अब देखिए हमने साथ में पनीर की सब्ज़ी भी बनाई है। आप चाहे तो किसी के भी साथ ये रोटी सर्व कर सकते हैं। और कितनी सफ़ेद और बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही बड़ी रोटियां हैं ये देखिए। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें गरम देसी घी भी लगा के रख सकते हैं, तो वो हमेशा के लिए सॉफ्ट रहेगी। एक दो घंटे के लिए आप रख देंगे इसको। और बस आप भी इसी तरह से बनाइए, बहुत ही आसानी से, बहुत ही हर किसी के घर में मैदा होता है, दूध होता है, और कढ़ाई तो आपको मिल ही जाएगी। तो बस बनाइए और देखिए मनचाही सब्ज़ी बनाइए और उसके साथ आप खाइए और मज़े लीजिए। देखिए हमने पनीर की सब्ज़ी बनाई है, आप किसी भी पसंदीदा सब्ज़ी बनाइए और उसके साथ खाइए। तो बस आप भी बनाइए, अपने घर में एंजॉय करिए और बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये आपको रोटी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये मेरी रुमाली रोटी की रेसिपी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।